हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि हम कल गए थे मेहंदी फंक्शन में, बट घर आने के बाद हम इतना ज़्यादा थक गए थे, कि हमने रेस्ट नहीं की, सॉरी इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोग आके सो गए। मैं कह रही रेस्ट नहीं किया, तो हम सो गए। उसके बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ नेक्स्ट डे स्टार्ट, पता ही है। तो आज है रिंग सेरेमनी, तो उसके लिए बस अब हम लोगों ने शाम को निकलना है विद शगन। हाँ, तो शाम को निकलना है। और ये मेरी मेहंदी ऐसी चढ़ी है, एक्चुअली चढ़ी थी बट मैंने सवेरे थोड़ा काम किया ना तो लाइट होगी। हाँ जी, हाँ ठीक है ना, ना परफेक्ट है। सो दीदी अपना आउटफिट चेक करवा रहे हैं, तो अभी मुझे भी तैयार होना है क्योंकि टाइम कम है। मैं तैयार हो रही हूँ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद तैयार होंगी तो आपको बीच में मिलूँगी और मैं अपना आउटफिट बाद में ही दिखाऊँगी, लास्ट में। बहुत प्यारा सा आउटफिट है। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी थोड़ी सी लिपस्टिक लग गई यार, ये चीज़ गंदी है, रुको वो मैं साफ कर लूँगी। ये मैं हैक बताती हूँ, पता कैसे साफ होता है, अब दांत में लिपस्टिक नहीं लगेगी। सो बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मैं पूरा आउटफिट दिखाती हूँ अपना। और एक कैन, कैन इधर देखना बेटा, इधर दिखाना इसे। हाय, आई मेरा बच्चा, आई मेरा बच्चा, देखो अच्छे से दिखाऊंगी बाद में फंक्शन में जाके। और दीदी दिखाती हूँ, ये रेडी हो गए दीदी, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है मेरी फुल ड्रेस दीदी, अब बीच में आ गई। ये मेरी फुल ड्रेस, बताना कैसी है। मुझे इसमें सबसे अच्छी लगी मेरी स्लीव्स, इसमें आपको मेरी पिक्स देखने को मिल जाएंगी अच्छी अच्छी। और बाकी सारे यहाँ पे रेडी हैं और मैस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। हाँ बेटू, तो हम लोग पहुँच गए वेडिंग में, वेडिंग का होटल है रेंसी शेगन सेरेमनी हिमाचल दिखते। यहाँ की लाइटिंग, यहाँ पे सारे पहुँच चुके हैं ये फंक्शन पर। हम लोग ब्यूटीफुल, मैं यहाँ पे एक दो पिक्स क्लिक कर लेती हूँ अच्छे अच्छे अपने, दो हस्बैंड जी मेरे फोटोग्राफर जो मेरे पिक्स क्लिक करेंगे। मुझे नहीं हट रही, कर देते हैं, करो। सो मेरा फोटो शूट हो गया, अब मेरा फोटो आज नचना ही नहीं। किधर बैठना, हाय करो, हाय करो, समर हाय, यहाँ पे हाय कर रहे हैं। हम लोग बाहर आए हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने, क्योंकि ना 10 मार्च में आपकी स्वेटिंग होगी, तो स्वेटिंग साफ करेंगे और मेकअप सेट करेंगे। नहीं मेरी भी हुई है। ये काम सिर्फ पापा कर रहा था। अच्छा,
सो इधर मैं और प्रिया दीदी करवा रहे थे हमारा स्पेशल फ़ोटोशूट। एक्चुअली सारे बिजी थे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग अपना जाके बाहर फ़ोटोशूट करवा ले। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ करवाई हैं, पर ये नहीं पता हमें फ़ोटोज़ मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये वेडिंग पिक्स थी। सो बहुत मज़ा आया था। तो इधर कपल फोटोशूट भी करवा रहे हैं दी और जीजू के, और स्पेशली इनकी पिक्स भी मैं क्लिक कर रही थी क्योंकि मुझे भी पिक्स क्लिक करने का बहुत शौक है, तो इनकी अच्छी अच्छी पिक्स मैंने क्लिक की है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the way. यहाँ पे ऑलमोस्ट फंक्शन खत्म होने वाला है, सारे रिचुअल्स वगैरह हो गए, डांस वगैरह हो गया, रिंग सेरेमनी होगी। अच्छे से शूट नहीं कर पाई बिकॉज रश बहुत ज़्यादा था, एंड अभी पीछे फोटोशूट चल रहा है, पर नहीं अभी अच्छी फोटो आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। सोच रही मैं बाहर जाके करूँ। उसको ये बोल रही है कि फेस अच्छा नहीं, बहुत अच्छा खींचा। ले लो दीदी कि मैं बाहर को चलती हूँ। चलो चलो चलो, क्या कह रहे मुझे, क्या कह रहे तो मेरी ले ही नहीं रही है अच्छी सी फोटो, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ। खत्म हो गया, हम लोग निकल चुके हैं। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा, अंदर अच्छा था। हाँ, और ये हालत देखना, चला भी नहीं जा रहा है। स्टाइल मारना भी ज़रूरी होता है ना थोड़ा बहुत। बस अब अंदर बैठना है मुझे गाड़ी में, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे, फिर मैं घर ही जाके मिलती हूँ, ठीक है। Hold me close till I get up.